आप जरा याद करिए ना कि 2005 में 5 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में था, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। आप कितने डॉक्टर बना रहे थे कि डॉक्टर आएगा तभी तो बेड बढ़ाएंगे? 90 से लेके 2005 तक जिनको अवसर मिला वो लाठी में तेल पिला रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। आपको बता दें कि कल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है और पूरे देश में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को 15वां स्थान मिला है। साथ ही साथ नीति आयोग के रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि बिहार में 1,00,000 लोगों पर महज 6 ही बेड है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यह सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 15 सालों में जब बिहार में NDA की सरकार है तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कुछ काम हुए। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार से बात की तो उन्होंने 1990 से लेकर 2005 के वक्त को याद दिलाया है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। यही तो मेरा पूछना है उन लोगों से जो 90 से लेकर 2005 तक बिहार में शासन किए। जब हम लोगों को अवसर मिला, आप क्या समझ रहे हैं कि डॉक्टर आएगा तभी तो बेड बढ़ाएंगे? जब 90 से लेकर 2005 तक जिनको अवसर मिला वो लाठी में तेल पिला रहे थे, और जब हम लोगों को अवसर मिला तो कलम में स्याही भरने का काम कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए कि अब 15वें नंबर पर है, उसको पहले नंबर पर ले जाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और उस दिशा में काम कर रही है। 17 साल तो सर आप भी रहे हैं, तभी तो ये परिणाम आया कि हम पीछे से निकल के आगे आए हैं। आप जरा याद करिए ना कि 2005 में 5 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में था, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। क्या आप इलाज बिना डॉक्टर का उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप कितने डॉक्टर बना रहे थे 2005 में? आपके पास MBBS का कितना सीट था? आज 2005 से लेकर 2021 में हमारे पास कितना सीट है? केवल तुलनात्मक रूप से कोई भी आदमी बुद्धिजीवी इसको देख लें। और सरकार ने सक्षम उपाय किया है, सरकार ने सकारात्मक उपाय किया है और सरकार सही दिशा में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवा हमारा उम्दा सेवा के रूप में बिहार के अंदर स्थापित होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार का कहना है कि 1990 से 2005 के वक्त को याद कीजिए, उन्हीं लोगों के कारण आज के डेट में जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल उठते आया है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब से बिहार में NDA की सरकार है स्वास्थ्य को लेकर हर एक संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि 1990 से लेकर 2005 के वक्त बिहार में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज तो 19 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राबड़ी देवी के शासनकाल पर सवाल उठाया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री ने महागठबंधन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया है, तो ऐसे में अब राजद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।